निंजा जी लॉगिन में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि सिमियन ने हमको टास्क दिया कि माइकल के घर से गाड़ी चुरा के लानी है क्योंकि वो टाइम पे पैसे देता नहीं है। तो बुलेट कार लेके हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से और जल्दी से चलते हैं अपन माइकल के घर पे और चुपके से किसी को पता नहीं चले और वहाँ से गाड़ी उठा के सीधा का सीधा सिमियन को दे देंगे। वो अपन को मोटा पैसा देने वाला है। जल्दी से चलते हैं और देखो कितनी लंबी उम्र है सिमियन की भैया, कितना साल जिए गए। इसका फोन आ चुका है मेरे पास में, बात करते हैं इससे। Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure you will get this car off the daddy's boy and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access. तो पता नहीं फ्रैंकलिन के कितने सारे पापों में से कौन सा पाप सिमियन को पता चल चुका है। तो बता रहा है कि तुम कोई काम के नहीं हो, बाकी तुमको जो गाड़ी चुरानी है उसका रास्ता घर के अंदर से होके जाता है, तो थोड़ा संभाल के चोरी करना वरना कहीं पता पड़े जूते पड़ जाएं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं माइकल के घर के पास और अब हमको ढूंढना है इसके अंदर जाने का कोई रास्ता। गेट तो अपने लिए खुला होगा, नहीं तो अपन गेट कूद के जाते हैं। यहाँ पे पीछे की तरफ गार्डनर जो है थोड़ा काम कर रहा है, इसको अपन एक गाथ पंच वंच दे देते हैं और ये निपटा देते हैं इसको, ताकि गार्डनर जो है हल्ला ना मचाए कि कोई चोर घुस गया घर के अंदर। जल्दी से इसको निपटाते हैं पहले, सबसे पहले तो आजा आजा पास आजा। घास काटने वाली मशीन है, पंच मारना होगा और ये आर से ख़त्म। ये लीजिए गया एक पंच में तो गार्डनर ख़त्म। अब हमें इस घर के अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, तो पूरा घर एक बार देख लेते हैं अच्छे से कि किधर की तरफ से हमको जाना होगा। वैसे हमें यहाँ से ये गाड़ी को पकड़ के जाना होगा, मैं जानता हूँ। तो यहाँ से हमको ये गाड़ी के ऊपर चढ़ चुके हैं, ऊपर घर के पास जाएंगे और नहीं जाए गए यहाँ से ऊपर की तरफ। एक बार रुको, गिर गए अपन नीचे की तरफ। अबे देखना कितना जस्ट टच हुआ है जिसमें, तो कितना नाटक कर रहा है फ्रैंकलिन। ओ भाई तुम बहुत नौटंकी हो यार। आगे की तरफ चलते हैं अपन ऊपर की तरफ। और यहाँ पे शोर शराबा बहुत आ रहा है यार, सुने तो क्या आवाज आ रही है। दबे पैर अंदर चलना होगा। मुझे लग रहा है जिम्मी जो है ना चिल्ला रहा है अपने फादर के ऊपर। और चलते हैं अपन दबे पैर नीचे, नीचे जाके देखते हैं कि क्या सीन है, क्या हो रहा है, कहाँ से अपन को मैसेज मिले। ओ ओ ओ एक मिनट एक मिनट, ये तो माइकल की वाइफ है जो कि टेनिस कोच से बात कर रही है। नहीं बात करने में कोई बुराई नहीं है, मगर इनका कुछ ना कुछ लफड़ा चल रहा है, इसके चक्कर में बहुत लड़ाई होने वाली है। यहाँ से हमने अपनी गाड़ी उठा ली एसयूवी और निकल रहे हैं यहाँ से डीलरशिप वाले के पास, मतलब सिमियन के पास। और चुपके से अपन ने सक्सेसफुली पार कर लिया ये मिशन और चलिए अपन चलते हैं वापस सिमियन के पास। सिमियन का फ़ोन आया है, बात सुनिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है गाड़ी को जल्दी से ले आओ, मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस गाड़ी के अंदर पीछे की तरफ माइकल बैठा हुआ है। माइकल ने लगा दी मेरे सर के ऊपर बंदूक। अरे भैया ये क्या हो गया। तो माइकल फ्रैंकलिन को बोल रहा है कि भाई तू कोई क्रेडिट फ्रॉड करता है, तू ऐसे कैसे गाड़ी को उठा के ले जा सकता है मेरे घर के अंदर से। और बोल रहा है तू जहाँ चल रहा था वहाँ पे मुझे ले जा शांति से, अदरवाइज़ हम तुम्हारे खोपड़े के चार टुकड़े कर देंगे। हम यहाँ से जा रहे हैं आगे की तरफ सिमियन के पास में और माइकल को सीधा का सीधा उठा के वहीं पर मतलब छोड़ देंगे। देखते हैं क्या होता है, उनके बीच में लड़ाई होती है क्या होता है। फटाक से पहुँच रहे हैं बस। Right through the fucking window, and fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Come on, kid. बोल रहा है कि उसकी विंडो के थ्रू अंदर घुसना है और सीधा फिर ये मतलब यहीं से तोड़ के घुसना है। लो भाई घुस गए हम तोड़ के। Franklin, what the fuck are you doing? Mr. Samuel. It's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. तो माइकल ने दो नोट पकड़ा दिए और फ्रैंकलिन यहाँ से भग गया। और अभी आ चुका है सिमियन वर्सेस माइकल का मुकाबला और अभी माइकल हम बने हुए हैं, तो हमको यहाँ पे सिमियन को बीट करना है। Fucking asshole.
ये पकड़ा, ये भी पकड़, ये भी पकड़, लोगों को गलत काम सिखाता है, चोरी करना, चोरी करना बहुत बड़ा पाप है, ये पकड़, और अब के ले बेटा तू खत्म। अरे मैंने खाली पंच, और ये खत्म। I'm telling you something, this thing's gonna need some serious body work before it's worth $5,000 a month. He agreed to financing, I have his signature. Yeah, he agreed. Finance पे ली थी जिमी ने और अभी बोल रहा है सिमियन की ठीक है भाई मैं दे दूंगा फाइनेंस पे, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी उठा के भी नहीं लाऊंगा, गलती हो गई। You are a fraudulent scumbag piece of shit. Don't make me have to come back here. तो माइकल ने दे दिया सिमियन को धमकी कि देख मुझे दोबारा नहीं आना पड़े यहाँ पे। और अब हम माइकल बन चुके हैं, हम लोग माइकल, फ्रैंकलिन और ट्रेवर और ये सब कुछ बन सकते हैं, मतलब जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब तब। तो अभी हम माइकल बन के पूरा सिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, देखते हैं हमको कहाँ जाना है। हम लोग यहाँ पर सिमियन के वहाँ से निकल चुके हैं, जो डीलरशिप दुकान थी मतलब शोरूम था जो, वहाँ से निकल चुके हैं और अभी सिटी के अंदर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमें क्या मिशन करना होगा, पहले एक बार गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं अपन की, देखते हैं कहाँ पे अपन को जाना होगा। वैसे अपन को जहाँ तक है घर जाना होगा, तो अपन चलते हैं यहाँ से सीधा का सीधा पिंक वाले मार्क के ऊपर। तो हम पहुँच चुके हैं माइकल के घर पे और जल्दी से अपन चलते हैं अंदर की तरफ। और ये देखिए दिन बदल चुका है, जल्दी से अपन अंदर चलते हैं, माइकल का घर कैसा है एक बार वो भी आपको दिखा दूँ मैं। आप यहाँ पे माइकल के सारे रूम देख सकते हो, कौन सा रूम कैसा है, बहुत ही शानदार घर बना रखा है, बहुत ही शानदार अलमारी है, यहाँ पे माइकल कपड़े चेंज कर सकता है यहाँ पे जाके। तो हमारे पास एक छोटी सी गन है, अब जा रहे हैं अपन अंदर की तरफ वापस से। और मतलब हम लोग बाहर घूमते रहते हैं इधर उधर कहीं भी। और ये लीजिए हमने गेट खोला और हम गेट के अंदर जाते ही पूरा दिन हो गया, रात हो गई और अगली सुबह हो गई। और अब आगे यहाँ पे लड़ाई हो चुकी है जाने की इस बात पे, कोई बात नहीं है, हम तो यहाँ पे माइकल तो मस्त बैठा है और उसे दुनियादारी से इतना मतलब ही नहीं है, मस्त बैठा हुआ है। आगे पता चलेगा अपन को कि किस चीज़ पे लड़ाई हो रही थी और कौन है ये कैरेक्टर, सब कुछ बताएंगे अपन। आगे की तरफ चलते रहते हैं गेम के साथ साथ, बढ़िया फ़ोन में गाने चला लिए और मस्त अभी शांति से रेस्ट करते हैं अपन धूप के अंदर। आई होप इतने से म्यूज़िक के ऊपर मुझे कॉपीराइट नहीं मिलेगा। इधर फ्रैंकलिन भैया माइकल के पास में आके माइकल के मज़े को थोड़ा ख़राब कर दिए। माइकल, फ्रैंकलिन जो है माइकल के पास में थोड़ा काम वाम का पूछने आया है कि यार अब तुमने सिमियन को पीट आए, अब मेरा काम तो तुमने बंद करवा दिया, अब तुम बताओ मैं क्या करूँ। माइकल पूछ रहा है कि तुम मुझे फिर चुराने आए हो, तो ये बोल रहा भाई मैंने पहले भी नहीं चुराया था तुम्हारे यहाँ से कुछ। What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. But if you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you can rip people off and get paid for it. It's called capitalism. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests.
Guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? I tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. इतनी सारी बातों के बाद यहाँ से माइकल खड़ा होके और जाता है और तभी अचानक माइकल का फोन बजता है। Hey Jim, I'm going for a drink. Dad, shit! I mean our boat going down the Western Highway. It's been stolen. What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money and they don't want to buy it. They just want to take it. तो यहाँ पे माइकल के पास में फ़ोन आया, जिमी बता रहा है कि आपकी याद जो है उसको चोरी कर लिया गया है और वो बस उनको पैसा नहीं चाहिए, बस वो ले जा रहे हैं यहाँ से इसको और मैं भी उसी के अंदर लटका हुआ हूँ। तो माइकल ने फ्रैंकलिन को लिया साथ और ये दोनों निकल चुके हैं अपने बेटे को ढूंढने के लिए। येलो लाइन को हमें फॉलो करना है और हम जा रहे हैं अभी सीधा का सीधा जिमी के पास में। वो देखो सामने की तरफ ट्रक जा रहा है, एक उसका पीछा करना है अपन को और उसी ट्रक के अंदर अपनी जो नाव है उसको लेके जा रहे हैं ये लोग। पता नहीं कौन है जो भैया इंसान के साथ ही नाव को चुरा ले गए। जिमी भी इसी के अंदर बैठा हुआ है। फ्रैंकलिन को हेल्प करनी है माइकल की, तो फ्रैंकलिन भी बस आ गया, उसके पास कोई काम धंधा भी नहीं था। और बस अभी फ्रैंकलिन जो है गाड़ी के बोनर पर बैठ चुका है और अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। और देखिए अपन को ये चढ़ चुके हैं इसके ऊपर। अब अपना टास्क जो है ना वो ये है कि अपन को जो है गाड़ी को पहली बार तो नाव के साथ साथ रखना होगा। अब देखो नाव पहली बार तो ऊपर चली गई यार, हमें इसको जल्दी से कवर करना होगा। ओके, ऊपर वाली पुलिया पे चढ़ चुकी है गाड़ी मतलब ट्रक उनका। और ये लो अपन पकड़ लिया है अपन ने इसको। अब अपन को गाड़ी थोड़ी सी साइड में लगानी पड़ेगी, अपन को थोड़ा सा आगे की तरफ जाना है, जल्दी से जाना है। ओके, वरना ये जिमी गिरने वाला है भाई, जिमी गिरने वाला है। जिमी को फटाक से पकड़ना है अपन को और फ्रैंकलिन भी गिरने वाला है। पहले फ्रैंकलिन को पकड़ लेते हैं क्योंकि फ्रैंकलिन लटक गया ऑलमोस्ट। या फिर पहले जिमी को पकड़ लेते हैं एक बार, पहले जिमी को पकड़ लेते हैं, काम करते हैं। फ्रैंकलिन तो संभाल लेगा अपने आप, बट अपन को ब्रेक दबाना है और ये जिमी अंदर। और अब अपन को फ्रैंकलिन को भी लेना है गाड़ी के अंदर, तो ये गाड़ी को बिल्कुल पास में लगा दिया अपन ने और फ्रैंकलिन तो एक्सपर्ट है, कूद जाएगा। और आ जा फ्रैंकलिन। ओपी, तो अपन ने फाइनली रेस्क्यू कर लिया है यहाँ से जिमी को। और नाव चली गई तो कोई बात नहीं है, वो तो देखी जाएगी बात की बाद में, बट पहले चलो लड़का बच गया। तो अब यहाँ से अपन को पहले तो निकलना है और फ्रैंकलिन की हेल्प से माइकल ने रेस्क्यू किया है जिमी को। अब यहाँ से अपन निकलते हैं, गाड़ी अपन ने पूरी तोड़ फोड़ दी, तो एक बार गाड़ी को सही करवा के लाते हैं। यहाँ से लॉस सैंटोस कस्टम के अंदर जाना है अपन को और वहाँ से अपन गाड़ी को सही करवाएंगे। Chop shop back there, dog. You drive us there, we can get the ride fixed. My fault. It's just a thing. My fault. Please stop doing that. Listen, I fucked up, okay? I'm not going to lie. That was a really bad judgment call. But shit, Dad, I nearly died. And all you give a shit about is this fucking boat. No, it's not that. It's all we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Or it's not, but it's partly your fault. I mean, I just want to impress you. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look, I love you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, would you do me a favor and give this kid a ride home after they fix this thing? I want to headbutt the road in peace. तो जल्दी से हम लोग कस्टम्स के ऊपर पहुंचते हैं और गाड़ी को रिपेयर करवाते हैं।
तो टूटी हुई गाड़ी अपनी चमचमाती हुई गाड़ी बन चुकी है और अब अपन ना काम हो चुका है इस वाले कस्टम्स के ऊपर, और यहाँ से अपन फटाफट से निकलते हैं जल्दी से। माइकल की गाड़ी अपन को वापस माइकल के घर पे पहुँचानी है और जल्दी से चलते हैं। अपन पहुँच चुके हैं माइकल के घर पे। Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. तो जिमी सजेशन दे रहा है मैं फ्रैंकलिन को कि भाई अपन दोनों बेरोजगार हैं, क्यों ना अपन दोनों मिलके भाग जाएं। तो जिमी को ड्रॉप भी कर दिया फ्रैंकलिन ने, और फ्रैंकलिन जो है अब माइकल के घर पे आ चुका है जिमी को ड्रॉप करने, और अब यहाँ से निकल रहा है ये। Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, cause my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. चलो फ्रैंकलिन का एक काम तो हुआ, अब यहाँ से हम गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से, और आगे की तरफ हम जा रहे हैं। जिमी से एक नया बढ़िया कॉन्टैक्ट बन गया अपना, आगे काम आएगा। चलो निकल चुके हैं यहाँ से अपन, और पिंक लाइन के ऊपर अपन को जाना था यहाँ से, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। पिंक नहीं है, पर्पल लाइन है। तो यहाँ पे अपन ने थोड़ा सा ड्रिफ्ट मार के और गाड़ी पार्क कर दी है, और अचानक हमारे पास माइकल का फ़ोन आता है। तो भाई माइकल क्या बोल रहे हैं। अब फ्रैंकलिन को नेक्स्ट जो है वो टोनिया के पास जाना है, और टोनिया को उसके ड्रॉप उसकी गाड़ी एक्चुअली ख़राब हो चुकी है, और टोनिया की गाड़ी को अपन को टो करना है। तो अपन सारे कामों में एक्सपर्ट है, मतलब सारे काम कर लेते हैं अपन। तो यहाँ से सीधे के सीधे अपन चल रहे हैं टोनिया के पास, और गाड़ी मतलब मज़ा तो आ रहा है चलाने में, मगर एक बाइक होती तो और ज़्यादा मज़ा आता। चलिए अभी पहले जल्दी से स्पीड से चलते हैं यहाँ से, फुल स्पीड से। कुछ बाइक वाइक का जुगाड़ होगा तो ज़रूर अपन कर लेंगे, पूरी दुनिया ही अपनी है। और यहाँ से अपन को ये पर्पल लाइन को फॉलो करना है, और यहाँ से निकल गए अपन। देखो जस्ट पास में ही है, यहीं पर टोनिया आसपास होगी। और ये बाइक मुझे दिख गई, बाइक मुझे दे दे, ये बाइक मुझे दे दे ठाकुर। चलिए बाइक पे बैठते हैं अपन, और जल्दी से चलते हैं अपन टोनिया के पास, और उसको उसकी जो भी गाड़ी की प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बड़ी गाड़ी वाड़ी ला के कुछ देखते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़, और कैसे भी करके उसकी गाड़ी को टो करना है अपन को। जल्दी से चलते हैं। Ain't nothing wrong with me, nigga. Shit. Well, your ass don't look too good. Where the fuck is JB? Smoking. And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything. And you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about touring cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it, for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on. Shit. All right, then. Everything. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. All right, shit, where we going? चलिए अब जल्दी से आसमानी कलर की लाइन के पास में जाके, और वहां से अपन टो वाली गाड़ी उठाते हैं जल्दी से। We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. There's JB's truck. Let's go bring the cha-ching, homie. I just called 10 minutes ago. Driver's seat got your name on it, Franklin. चलिए बैठ चुके हैं टोनिया गाड़ी के अंदर, अपन को निकलना है और वापस यहाँ से वो गाड़ी ढूंढनी है जिसको कि अपन को टो करके लाना है अंदर की तरफ। ये रही सामने की तरफ, यहाँ पे गाड़ी है वो। Hey, baby.
Back it up nice and steady. लीजिए हल्का सा बैक कर दिया अपन ने और ये गाड़ी अपन ने यहाँ से उठा ली और इसको ले जा के अंदर रख देते हैं अपन जल्दी से, मतलब जहाँ से क्रेन उठाई है ना अपन ने वहीं से अपन को ये गाड़ी वहाँ पे ये ड्रॉप करनी होगी। Okay, we are in, baby. Let's get this back to the lot. Hey, this was not how I saw my day going. That's whack. So I ain't seen you around the hood much. I've been trying to branch out. Can't stay in Chamberlain Hills forever. Oh, nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was. And I remember you and JB before y'all was dopey. Shit changes. You the one all turfed up. JB smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real. For real. Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Okay, we make the drop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right place. All good, Franklin. Unhook that thing. Damn it, Franklin. We unhooked. Anything you need, you holler at me. OP मिशन क्रॉस न्यू कॉन्टैक्ट टोनिया। चलिए अब यहाँ से बाइक वाइक उठाई अपन ने एकदम, मतलब बढ़िया वाली बाइक, हेलमेट लगाया और यहाँ से निकलते हैं। अभी गेट खुल जाएगा और अपन निकल जाएंगे यहाँ से। चलिए माइकल के घर चलते हैं यहाँ से सीधा का सीधा। पहुंच चुके हैं माइकल के घर पे। ओ कोई गिरा है ऊपर की तरफ से भाई। Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked a brick in my bed. You bullshitting me. It wasn't like that. You in? Fuck it. I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him! तो भाई यहाँ पर माइकल की वाइफ को माइकल ने टेनिस कोच के साथ में पकड़ लिया और माइकल ने फ्रैंकलिन को साथ लिया और बस ये चाहता है कि अब निपटा दे इस टेनिस कोच वाले को। बस हम पीछा करते हैं जल्दी से इस टेनिस कोच का, जल्दी से जाते हैं। वो एक बड़े से घर के ऊपर चढ़ चुका है, ये देखिए इस घर के ऊपर चढ़ चुका है और इसको छोड़ेंगे तो नहीं अपन। He's about to have a real clear idea where I'm coming from. There's a winch in the back of the truck. Tied a cable to one of those supports up there. Michael के इरादे ठीक नहीं है। Michael बोल रहा है कि ये गाड़ी के पीछे की तरफ एक केबल है। अभी मैं उसको बताता हूँ, ये जानता नहीं मुझे कि मैं कौन हूँ।
इसने किससे पंगा लिया है, और अब बस ये केबल को इस घर में बांध रहे हैं और इसके घर को ही निपटा देंगे। जिस घर के ऊपर ये चढ़ा है उस घर को ही तोड़ देगा माइकल। और गुस्सा आ रहा है माइकल को बहुत तेज, इसने टेनिस सिखाने के लिए कोच हायर किया था और इसने तो इसकी वाइफ पे ही डोरे डालने शुरू कर दिए। चलिए अभी यहाँ से इसके घर को बांध दिया है और अब अपन गाड़ी में स्पीड देंगे और ये घर सीधा नीचे। I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. My bad. Seriously. How fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! And we'll see how you like it when someone fucks with your shit. Well, hey, wait! You got the wrong idea, pal. Whoa! Fuck! तो ट्रक से हम लोग ये घर गिराने वाले हैं और बस स्पीड देनी है। फ्रैंकलिन चला रहा है गाड़ी, माइकल चला रहा है, फ्रैंकलिन साइड में बैठा है और स्पीड दी माइकल ने और ये घर नीचे आने को है, टेढ़ा हो चुका है और ये नीचे। आ चुका है, टूट चुका है घर। तो ये घर तोड़ने के बाद माइकल और फ्रैंकलिन एकदम मतलब जीत का जश्न मनाते हुए निकल रहे हैं यहाँ से, बट इन्हें पता नहीं है कि ये घर जो है वो इस कोच का था ही नहीं। और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं आगे की तरफ कि वापस माइकल के घर पे जाएं और येलो लाइन को पीछे फॉलो करते हुए अपन चलते हैं फटाक से और जल्दी से जाते हैं, बट अननोन कॉल आया यहाँ पे। Couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Give me a pawn. You! You're a dead one! Green light! Green light! Martin Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared, lady. तो एक्चुअल में सीन क्या हुआ था कि टेनिस कोच किसी और के घर में घुस गया था। बोल रहा है वो टेनिस कोच कि भाई मैं इतना घर अफोर्ड करने के लायक का हूँ। तभी वो एक और जो गर्ल ऊपर की तरफ थी उसने बोला है कि भाई मार्टिन मद्रासो का घर है ये, और उसका नाम तो तुमने सुना ही होगा। मार्टिन मद्रासो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और अब उसके गुंडे पड़ चुके हैं मद्रासो के पीछे और उनको अपन को मारना होगा। इन सबको तो निपटा दिया है अपन ने, मगर अब चलते हैं अपन माइकल के घर पे। गाड़ी का तो हो चुका है पूरा कीमा बन चुका है और हम लोग पहुंच चुके हैं माइकल के घर पे, बट हमने वो घर तोड़ के अच्छा नहीं किया क्योंकि वो बहुत बड़ा गैंगस्टर है। I had no idea it was going to get that hot. Shit, pulling houses off the hillside sure has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh shit, I think we're about to find out. You know who I am? Do you know who I am? Do you? No. Who are you? You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. Now, Franklin, maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael, got a question for you.
तो पैसों के लिए माइकल के ऊपर हाथ उठाया यहाँ पर मार्टिन मद्रासो ने, और क्या होता है अगले एपिसोड के अंदर, भाई इतना बड़ा पैसा कहाँ से लाके देंगे? ये बोल रहा है कि पूरे घर की कीमत दे दे, अदरवाइज मैं देख तेरे को तेरे घर के अंदर घुस के मार रहा हूँ, खत्म कर दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।